गांव में पक्की सड़क तक मौजूद नहीं। देश को आजाद हुए 74 साल पूरे हो गए, लेकिन झारखंड के चतरा जिले का प्रतापपुर के कुब्बा गांव में अब भी बुनियादी सुविधा का इंतजार कर रहा है। झारखंड के अलग राज्य बने भी 2 दशक से अधिक वक्त बीत गया है, लेकिन जंगल से घिरे पहाड़ पर बसे प्रतापपुर के कुब्बा गांव की ना तो तस्वीर बदली और ना ही यहां बसे लोगों की तकदीर। बिहार से अलग होकर वर्ष 2000 में झारखंड राज्य बना तो गांव में बसे कुब्बा गांव के आदिवासी समुदाय के लोगों ने सोचा था कि अब इलाके का तेजी से विकास होगा, लेकिन उनका ये सपना सपना ही रह गया, हकीकत में तब्दील नहीं हो सका। चतरा जिले के प्रतापपुर प्रखंड के योगियारा पंचायत के तहत आने वाला कुब्बा गांव की सड़क, बिजली, पानी, दवा जैसी बुनियादी सुविधाओं के अभाव में जीना पड़ रहा है। अगर गांव में कोई गंभीर रूप से बीमार पड़ जाता है तो उसे खाट पर लिटाकर 8 किलोमीटर दूर पक्की सड़क तक ले जाना पड़ता है और कुब्बा गांव से पक्की सड़क तक आने में 5 नदियां पार कराना पड़ता है। आने में कुब्बा गांव आने में जो है 5 गो नदी पड़ता है, उसमें भयानक भयानक जो है से कोई पर रोड भी नहीं है और न मेन रोड जाने में बहुत हम लोगों का कठिनाई होता है। कोई व्यवस्था नहीं, कम से कम रोड भी बन जाता तो हम जानता कि जीवन यापन आगे भी चल सकता था। बहुत ही यहाँ पर गरीबी, इलेक्शन का समय आया, बसंत पासवान के ना हम लोग वोट लेने के लिए आए, बसंत पासवान सबके घर घर हाथ जोड़े, माए बहन कहे, आप बहुत वादा किए कि हम जीत जाएंगे अबरी भर तो बहुत हम विकास करें, लेकिन बहुत तो कुब्बा गांव विनाश कर दिया है। इसलिए और बात है कि जितने भी काम हो रहा है से सब मुख्य के मार्फत से हो रहा है, नहीं कि यहाँ पर किसी का राशन कार्ड है, नहीं यहीं का किसी के बढ़िया से आवास बना है। कोई भी योजना आता है तो माफिया जो अपने गांवों में अभिकर्ता भेज करके गांव के भी जो से कोई भी काम नहीं होने देता है। अब बात यह है कि जब भी कोई चुनाव आते हैं तो बहुत यहां आते हैं मुखिया विधायक वोट लेने के लिए, जब वादा करते हैं कि बहुत ये होगा वो होगा, लेकिन हो गला के बाद कोई यहाँ वादा जनता को नहीं लाभ उठा। विडम्बना ये है कि आदिवासियों के तेजी से विकास और उन्हें मुख्य धारा से जोड़ के नाम पर ही अलग झारखंड राज्य के विचार ने जन्म लिया, लेकिन दुर्भाग्य से इन आदिवासियों की दिक्कतों का कोई अंत नजर नहीं आता। कुब्बा गांव में करीब 50 घर हैं, 200 से ज्यादा लोगों की आबादी वाला ये छोटा सा गाँव घोर नक्सल प्रभावित इलाकों से घिरा हुआ है। प्रसिद्ध बाबा कुट्टी धाम सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर ये गाँव पहाड़ी पर बसा है। प्रतापपुर जनजाति समुदाय वाले इस गांव के लोगों को पीने के पानी के लिए भी बहुत दूर स्थित कुएं पर जाना पड़ता है। गांव के लोग लंबे समय से सड़क, बिजली, पानी और दवा जैसी बुनियादी सुविधाओं की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन की ओर से सुनवाई नहीं की जा रही। ग्रामीणों को सड़क का इंतजार है। कुब्बा गांव के लोगों की दिक्कतें समझने के लिए पहुंची R9 भारत की टीम को भी 8 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। ये गाँव चतरा जिले के मुख्यालय से 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। गाँव के लोग कहते हैं कि बाहर का कोई शख्स इस गांव में अपनी बेटी की शादी नहीं करना चाहता। यहां के लोगों को अनाज के लिए भी 8 किलोमीटर दूर चलना पड़ता है। पक्की सड़क ना होने की वजह से गांव के बच्चों की भी अच्छी शिक्षा तक पहुंच नहीं है। चल दे है ना, 10 गो नदी पड़ा है, 5 गो नदी पड़ा है, बाल बच्चा पढ़े लिखे रह जा है। ओकरो अलावे है कि 10 गो वोट दे का जनता से ठग के ले जहा है, कुबा में विकास नहीं करे थे, रोड नहीं बनावे थे, 4 गो जनता अभी 4 गो तबियत ले खराब होता है तो बच्चा लेके हम सोच पड़ा है घर बैठे है। तो इलाके मुखिया अपना अपना चला पाया है, हम ही गरीब लोग के आओ कुबा नामे है, कुबा में घुसा दिया, ये कोई बात में बात आगे नहीं बढ़ सक। अच्छा, आपके गांव में रोड है? रोड नहीं है, गांव में रोड बांधता था इतना दिक्कत ना होता, बाल बच्चा के लेकर के कुबा में झकैत नहीं रहती। अच्छा, बिजली है? जब यहाँ रोड है तो नदी है। R9 भारत ने गांव के लोगों की दिक्कतों का मुद्दा जिले के पूर्व विधायक जनार्दन पासवान के पास रखा तो उन्होंने हमारे संवाददाता से बात करते हुए कहा कि आपके माध्यम से जो मुझे जानकारी मिली है, आज भी सड़कें वहां नहीं बनाई गई हैं, ये हमारे लिए भी चिंताजनक विषय है। साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, मैं चतरा का विधायक नहीं रहा, लेकिन दुर्भाग्यवश हुआ ये कि हम उस गांव का मामला हमारे संज्ञान में नहीं आया। अगर हमारे समय में ये मामला
संज्ञान में आया होता तो वहाँ मैं सड़क व सरकारी योजनाओं को जरूर मुहैया कराता। लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर मैं इस मामले को जिला प्रशासन के संज्ञान में देना चाहता हूँ। जितनी जल्दी हो सके उस गांव में जिस तरह से सड़कें बननी चाहिए उधर से बनाई जाए। और हम यही कहना चाहते हैं कि आज भी वहां के ग्रामीणों को विकास के नाम पर वोट ठक कर आज भी विकास नहीं पहुंचा। ये दुर्भाग्य की बात है। क्या कहते हैं प्रतापपुर प्रखंड विकास पदाधिकारी मुरली यादव जी? देखिए, आपके माध्यम से जो जानकारी मिली है कि प्रतापपुर प्रखंड गांव कुबा पंचायत हो गया आपको जोगियारा, उस पंचायत में अभी भी सड़कें नहीं बनी, ये बहुत चिंता के विषय मेरे लिए भी है। ऐसा नहीं कि हम लोग एमएलए नहीं रहे हैं, हम भी रहे हैं, लेकिन हम 10 साल पहले रहे थे। और दुर्भाग्य हुआ कि हम उस गांव में नहीं गए, नहीं तो जाते तो निश्चित तौर पे हम वहाँ पर सड़कें बनवाते। वहाँ पर अभी भी लोग, गांव के लोग नदी नाले से पानी पी रहे हैं, ये बहुत चिंता के विषय हम कहें चिंता के विषय। और निश्चित तौर पर हम जिला के प्रशासन के प्रशासनिक अधिकारियों से मैं आग्रह भी करता हूँ कि आज के तारीख में दुनिया कहाँ से कहाँ चला गया और मोदी जी के शासनकाल में कई तरह के योजनाएं चलाई जा रही है। नल जल योजना, जो हर घर में पानी भी उपलब्ध कराना है, अभी तक 2 करोड़ लोगों के घर में नल जल योजना के माध्यम से पानी मिल रहा है। तो निश्चित तौर पे इसको जिला प्रशासन को संज्ञान में मैं देना चाहता हूँ कि यथाशीघ्र जितना जल्दी हो सके जांच करा के उस गांव में सड़कें जिधर से बनना चाहिए बनना सड़क, जिला प्रशासन में यहाँ पैसा की तो कमी है नहीं, ये MFT पैसा दुनिया भर के राशि है, तो निश्चित सड़क बने, वहाँ शुद्ध पानी पीने के लिए नल जल योजना लगे। यही हम करते हैं कि आज भी विकास के नाम पर वहाँ कुछ नहीं हुआ, सुन हुआ, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। वहीं इस मामले पर प्रतापपुर प्रखंड विकास पदाधिकारी मुरली यादव के बीच बताया गया तो उन्होंने कहा कि उस गांव की सड़क ना बनने के पीछे वन विभाग को जिम्मेदार ठहराया है, क्योंकि उनका कहना है कि देखिए, उस गांव की सड़क न बनने के पीछे कारण है कि वह सड़क वन विभाग में आती है, इसीलिए आज तक वहां सड़क नहीं बन सकी। गांव में नहीं है बुनियादी सुविधाएं। अब देखना है कि ये वादे कब तक पूरे होते हैं। इस गांव के लोगों से आदिवासी कल्याण के नाम पर राजनेता हर चुनाव में वादे तो लंबे चौड़े करते हैं, लेकिन चुनाव जीतते ही गाँव की बदहाली से आंखें मोड़ लेते हैं। R9 भारत के लिए प्रतापपुर चतरा से रिपोर्ट, कुमार चंदन की।